हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, ये रेडमी का फ़ोन है। रेडमी का फ़ोन अचानक आपका टच काम करना बंद कर दे, डिस्प्ले हैंग हो जाए या साउंड हैंग हो जाए, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है। और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन चलते चलते अचानक उसका टच काम करना बंद कर देता है, या अचानक माइक स्पीकर रिंगर अचानक काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है। तो ऐसा यदि अचानक आपके मोबाइल में, रेडमी फ़ोन में अचानक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको एक बार आप रिबूट करके देख लीजिए। दोस्तों, रिबूट करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल पावर बटन को 10 से 20 सेकंड तक प्रेस करके रखना है आपको। उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, और आपका यदि हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा, आपका टच हैंग रहेगा, डिस्प्ले हैंग रहेगा, या माइक स्पीकर रिंगर हैंग रहेगा, तो आपको आपका 100% वर्क करेगा। तो आप ज़रूर इस ट्रिक का एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर हमारे नए आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।